शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया है कि 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। जैसे कि इसी योजना के अंतर्गत शिवहर जिला के तरियानी प्रखंड में कुल 112 विद्यालय हैं, जिसमें 563 शिक्षकों ने पढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन इन शिक्षकों के पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इसी 563 टीचरों में से एक नरगिस बानो ऐसी महिला है और ऐसी शिक्षिका है जिसको 1.5 सालों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिस कारण इनको काफ़ी परेशानी घर परिवार चलाने में उठानी पड़ रही है। जैसे कि सिलाई करना, फिर भविष्य के आगे के लिए पढ़ाई करना, और यहाँ तक कि रुपया नहीं रहने के कारण बिना सड़क के ही कपड़ा धो रहा, बच्चे की दवा के लिए दूसरों से रुपया कर्ज लेना, इत्यादि मुश्किलों के सामना करते हुए समय और प्रतिदिन 14 किलोमीटर की विद्यालय में जाती है और अपना ड्यूटी करती हैं और अपने 7 लोगों के परिवार के साथ गुजर बसर कर रही हैं और वेतन के इंतज़ार कर रही हैं। मैं पिछले साल फरवरी 2016 में ज्वाइन की हूँ और तभी से अभी तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इसी को लेकर के मेरे हस्बैंड जो दिल्ली में रहते थे, जॉब करते थे, वो यहाँ आकर बैठ के हुए हैं काम को। मैं तो महिला हूँ, मैं कहाँ कहाँ दौड़ूँगी। BRC में रोज़ जाना, तो मैं अपने हस्बैंड को बुला ली और तब से यहीं हैं, तो आमदनी की तरह से आ नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगा और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वेतन नहीं मिला है तो मैं BRC गई, वहाँ पता किया कि हम लोग को वेतन क्यों नहीं मिला है। मुझे जब मैं पहुँची वहाँ, तब आगे का ये हुआ, मेरा कागज़ भेजा गया जांच के लिए और BDO साहब के पास गया, उन्होंने मेरे काम को आगे बढ़ाया। अब जाके मेरा कागज़ बहुत मतलब दौड़ भाग करके तब जाके अब जिला में पहुँचा है 2-3 रोज़ पहले, लेकिन अभी तक मेरा वेतन भुगतान नहीं हुआ।